फर्क इससे नहीं पड़ता कि आप क्या हो, कैसे दिखते हो, फर्क इससे पड़ता है कि आप क्या कर सकते हो। हेलो एवरीवन, आई हूं उपासना तनेजा और आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ ग्रुप्स। एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट क्या होता है, इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट क्या होता है, इनकी अलग अलग से वीडियो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी। तो आज हम एक्चुअल में देखेंगे इनका कंपेरिजन करके कि कैसे क्या होता है एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट ईडीपी और क्या होता है आईडीपी इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट, विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल देखेंगे। ये देखेंगे कि कैसे दो ग्रुप्स का होता है और दो ग्रुप से ज्यादा हो तो क्या होता है, ऐसे ही इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट में देखेंगे, एग्जाम्पल से हम देखेंगे और थोड़ी सी शॉर्ट ट्रिक्स देखेंगे कि कैसे आप इनके ऑर्डर निकाल सकते हो विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल, वो भी हम डिस्कस करेंगे ऑर्डर भी। तो आज हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और अगर अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। हम लेते हैं एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट पहले। उसमें देखिए G1 और G2 को हम कोई दो ग्रुप ले लेते हैं। जो एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट होता है वो आप ग्रुप्स का ही प्रोडक्ट लेते हो, जैसे कि आपने G1 और G2 को दो ग्रुप उठाए, ठीक है। हर ग्रुप का अपना एक ऑपरेशन होता है। ग्रुप क्या होता है, एक सेट होता है, वो एक ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में चार प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई कर रहा होता है ना, तो हर ग्रुप का अपना एक ऑपरेशन होता है, राइट। तो अगर हम कोई दो ग्रुप लें, ठीक है, G1 भी एक ग्रुप है और G2 भी ग्रुप है, तो जो इनका प्रोडक्ट है, सपोज मैं उसको नाम दे देती हूँ क्या, जी, तो जो इनका प्रोडक्ट है जी, G1 क्रॉस G2 दोनों दो ग्रुप्स का प्रोडक्ट है, ठीक है। एक्सटर्नल क्या है, इंटरनल क्या है, इंटरनल में कैसे होगा, आप सब ग्रुप्स का प्रोडक्ट निकालोगे, एक्सटर्नल में आप ग्रुप्स का प्रोडक्ट लेते हो, ठीक है। G1 क्रॉस G2 सच दैट आपको ऑर्डर्ड पेयर मिलते हैं एक्स वाई, ठीक है। कैसे, एक्स किसका एलिमेंट होगा, G1 का, और वाई किसका एलिमेंट होगा, G2 का। दोनों सेट है, दोनों में एलिमेंट्स हैं, इसका एक एलिमेंट उठाओ, इसका एक एलिमेंट उठाओ, जो ऑर्डर्ड पेयर बनेगा वो किसके अंदर आएंगे, ये G1 क्रॉस G2 के अंदर आएंगे, ठीक है। जो G1 और G2 ग्रुप्स हैं, G1 एंड G2 कैन बी अबिलियन और नॉन अबिलियन, ठीक है, अबिलियन भी हो सकते हैं और नॉन अबिलियन भी, फाइनाइट भी हो सकते हैं और इनफाइनाइट भी हो सकते हैं, ठीक है। तो कोई भी आप ले सकते हो G1 और G2 में, ओके। तो ये होता है एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट, ठीक है। आप सपोज करो जो G1 क्रॉस G2 है, इसको मैं जी बोलूंगी यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे सपोज करो ए बी एंड एक्स वाई ऐसे एलिमेंट्स होंगे, किसमें, इस जी में। अब जी के एलिमेंट्स का स्ट्रक्चर हमें पता चल गया है कि जी के अंदर कैसे एलिमेंट्स हैं, इस टाइप के एलिमेंट्स है ए बी एक्स वाई टाइप, ठीक है। अब आप इसके ऊपर प्रोडक्ट लगाओ ए बी एक्स वाई, आपको क्या मिलता है, इनका ऑपरेशन क्या था, ये किसके ए और एक्स के ऊपर आप कौन सा ऑपरेशन लगाते हो, जो G1 का था, ओके। और बी और वाई, बी और वाई के ऊपर कौन सा ऑपरेशन लगता है, जो G2 का था, ठीक है, क्योंकि जो पीछे वाले एलिमेंट है वो किसके हैं, G2 के हैं, उनके ऊपर किसका ऑपरेशन लगता है, G2 का लगता है, तो ये हो जाएगा बी ऑफ वाई, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया ए बी एक्स वाई का प्रोडक्ट, ये हो गया, ठीक है। आपने ये डिफाइन कर दिया, तो जो जी होता है प्रोडक्ट ऑफ ग्रुप्स विद रिस्पेक्ट टू डॉट, ये भी क्या बनाता है, एक ग्रुप बनाता है, इज अ ग्रुप। सो एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ ग्रुप्स भी क्या बनाता है, ग्रुप बनाता है विद रिस्पेक्ट टू दिस ऑपरेशन, ठीक है। इसको आप सेटिस्फाई करा के देख सकते हो, कैसे सेटिस्फाई कराना है, चार प्रॉपर्टीज होती हैं, चार प्रॉपर्टीज इसी पे लगेंगी, क्लोजर प्रॉपर्टी लगेगी, ठीक है, और क्या लगेगा, एसोसिएटिविटी, आइडेंटिटी, इनवर्स, क्योंकि दोनों ग्रुप्स, ये दोनों ग्रुप है, दोनों में आइडेंटिटी एलिमेंट होगा तो इसमें भी आइडेंटिटी एलिमेंट होगा, इनवर्स भी हर एलिमेंट का एग्जिस्ट करेगा। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कि ईडीपी ऑफ ग्रुप्स इज अ ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू डॉट, ओके। तो ये हुआ एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट, ये तो था दो ग्रुप्स का। अब हम दो से ज्यादा ग्रुप्स का भी देखेंगे, उससे पहले हम यहाँ पे एक बार देखते हैं कि इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट क्या होता है, क्योंकि हम कंपैरिजन कर रहे हैं तो दोनों को साथ साथ डिस्कस करेंगे। इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट क्या होता है, सपोज करो लेट जी ए ग्रुप है, लेट जी बी अ ग्रुप,
ग्रुप्स ऑफ जी, सब ग्रुप ऑफ जी, ठीक है, जी ए ग्रुप था, एच और के इसके सब ग्रुप्स हैं। अब क्या हो इफ एच एंड के क्या हो, नॉर्मल सब ग्रुप्स हो जी के, ठीक है, एंड और उन दोनों का इंटरसेक्शन क्या हो, आइडेंटिटी हो, ठीक है, हर ग्रुप में जो ग्रुप की आइडेंटिटी होगी वो ही इसकी होगी, वो ही इसकी होगी, तो इनमें दोनों हर सब ग्रुप में और कोई एलिमेंट कॉमन हो ना हो क्या होगा, आइडेंटिटी हमेशा कॉमन होगी, राइट। इसके बाद एच के किसके इक्वल हो, एच के सच दैट एच बिलोंग्स टू एच, के बिलोंग्स टू के, ठीक है, सो जी इज इक्वल टू, देन जी इज कॉल्ड, जी को हम क्या बोलते हैं, इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ एच एंड के, ठीक है, इसको आप कैसे लिख सकते हो, जी इज इक्वल टू एच क्रॉस के और जी इज इक्वल टू एच डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ के, तो आप कैसे भी डिनोट कर सकते हो। तो यहाँ पे आपने देखा क्या, सब ग्रुप्स देखे, यहाँ पे आपने क्या देखे, ग्रुप्स, ये ग्रुप्स का प्रोडक्ट है, ये सब ग्रुप्स का प्रोडक्ट है, ठीक है, ये आपने देखे दो सब ग्रुप्स है ना, यहाँ पे भी क्या है, दो सब ग्रुप्स है। अब दो से ज्यादा ग्रुप्स हो तो कैसे करेंगे, और अगर यहाँ पे दो से ज्यादा सब ग्रुप्स हो तो क्या होगा, इसी को एक्सटेंड करेंगे। तो आ जाओ हम वो देखते हैं कैसे होगा दो से ज्यादा के केस में, फिर हम इसके एग्जाम्पल में आएंगे और इसकी कुछ शॉर्ट ट्रिक्स भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और ये ऐसे ही एज इट इज पूरा मैंने नोट्स बनाए हैं, वहां पे मैंने अच्छे से एक्सप्लेन करके कि कैसे कैसे हमने कंपैरिजन देखा, वहां पे आपको मिल जाएगा। अगर आपको वो नोट्स चाहिए तो ग्रुप के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा ग्रुप थ्योरी नोट्स वीडियो का, आप वो वीडियो देख सकते हो और नोट्स के लिए कॉन्टेक्ट कर सकते हो। सो लेट्स प्रोसीड नाउ। सो ये जस्ट उसी का एक्सटेंडेड वर्जन है, वहां पे आपने क्या था, दो ग्रुप्स थे, हमने क्या लिया था, लेट जी वन एंड जी टू बी टू ग्रुप्स, है ना, उनका सबका अपना अपना कुछ कुछ ऑपरेशन था। ऐसे ही यहाँ पे हमने एन ग्रुप्स लिए, सबका अपना अपना कुछ कुछ ऑपरेशन है, जस्ट आपने डेफिनेशन को एक्सटेंड कर दिया, ठीक है। यहाँ पे वहां पे आपका क्या था, पेयर था, है ना, यहाँ पे जितने भी आपके हैं ग्रुप्स हैं उतना आपको क्या मिल जाएगा, एक्स क्या डिफाइन करोगे, जी इज इक्वल टू जी क्या हो जाएगा, जी प्रोडक्ट है जी वन क्रॉस जी टू अप टू सो ऑन जी एन का, ठीक है, सच दैट क्या मिलेगा ये आपको, ऐसा आपको एलिमेंट मिलेगा, ये इनके एलिमेंट जी के जो मिलेंगे ऐसे मिलेंगे, सच दैट एक्स वन बिलोंग्स टू जी वन, एक्स टू बिलोंग्स टू जी टू, एक्स एन बिलोंग्स टू जी एन, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे वहां पे हमारे क्या थे, एच और के दो सब ग्रुप्स थे, यहाँ पे हमने एन सब ग्रुप्स ले लिए, एच वन से लेके एच एन तक ले लिए, ठीक है, सच दैट उन सबका इंटरसेक्शन क्या होना चाहिए, आइडेंटिटी, कैसे सब ग्रुप होने चाहिए, नॉर्मल होने चाहिए, ठीक है। अभी मैं आपको ये रिजल्ट्स भी दूंगी, बट वैसे यहाँ पे देखो क्या है, अगर कोई ग्रुप अबेलियन है तो उसके सारे सब ग्रुप्स क्या होते हैं, नॉर्मल ही होते हैं। तो अगर आपको कोई ग्रुप मिला है, अभी हम एग्जांपल देखते हैं, अगर आपको पता है कि वो अबेलियन है, इसका मतलब उसके सारे सब ग्रुप्स क्या होंगे, नॉर्मल ही होंगे, ठीक है। या फिर कोई ग्रुप अगर आपको पता है साइक्लिक है, साइक्लिक ग्रुप्स क्या होते हैं, डिस्कस कर चुके हैं हम अच्छे से, साइक्लिक ग्रुप्स क्या होते हैं, अबेलियन होते हैं, अबेलियन है तो उसके सब ग्रुप्स क्या होंगे, नॉर्मल होंगे। तो ऐसे भी आप चीजों को लिंक कर सकते हो, ठीक है। तो n से ज्यादा है, सेम वही चीज है, बस हमने क्या कर दिया, इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया कि वहां पे h1 hk था, यहाँ पे हमने h1 h2 up to so on hn ले लिए, ठीक है। ये प्रोडक्ट मिलेगा हमें इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट, ये मिलेगा हमें एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट, ठीक है। अब दोनों का एग्जाम्पल देखो, एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, ठीक है। So, अब हमें देखना है एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट का एग्जाम्पल, ओके। दो ग्रुप्स लेते हैं कोई भी, सपोज कीजिए कोई भी ग्रुप्स ले लो, सपोज कीजिए हम एक ले लेते हैं Z2, बहुत इंपॉर्टेंट इसका एग्जाम्पल बहुत आता है, थोड़ा बड़े पे हम इसके शॉर्ट ट्रिक्स भी डिस्कस करेंगे, एमसीक्यू भी है इनके ऊपर। सो यहाँ पे छोटा सा ग्रुप लेते हैं देखने के लिए, Z2 एंड Z3 कोई दो ग्रुप ले लेते हैं, ठीक है, Z2 और Z3। Zn ग्रुप हम डिस्कस कर चुके हैं, Zn ग्रुप के ऊपर पांच वीडियोस हैं, प्लेलिस्ट है अलग Zn ग्रुप की, तो वो आप देख सकते हो। तो Z2 और Z3 कोई दो ग्रुप्स हैं, ठीक है। Z2 क्या होगा, Z2 होगा 0 1 2, हर ग्रुप के एलिमेंट्स होते हैं, राइट,
जेड थ्री होगा जीरो, सॉरी ये होगा जीरो वन, ये होगा जीरो वन टू, ओके। सो जेड टू क्रॉस जेड थ्री, इसको हम जी बोल देते हैं, ठीक है। जी क्या है? जेड टू क्रॉस जेड थ्री, दो ग्रुप्स का क्या लेना है हमें? प्रोडक्ट कैसे लेते हो? जीरो विद जीरो, एक एलिमेंट इसका एक एलिमेंट इसका, ऑर्डर पेयर बनता है, जीरो के साथ वन का बनेगा, ठीक है, जीरो के साथ टू का बनेगा, सिमिलरली वन के साथ जीरो का, वन के साथ वन का, वन के साथ टू का। तो ये आपका बन गया जेड टू क्रॉस जेड थ्री, ठीक है। ऐसे इसमें ज्यादा होते या फिर जेड फोर जेड फाइव कुछ भी ऐसे ले सकते थे, जो बड़े ग्रुप्स होंगे। ये तो छोटा सा है, हमने एग्जाम्पल देखा कि कैसे बन रहा है। जो बड़े ग्रुप्स होंगे जेड फाइव जेड फिफ्टीन ऐसे वाला कुछ भी ऐसा ग्रुप लोगे, उसके ऊपर आपको रिजल्ट्स लिंक करने होते हैं, वो भी हम आगे देखेंगे। तो जेड टू क्रॉस जेड थ्री क्या बना? इस टाइप से बना। ये हो गया कैसे? एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ जेड टू एंड जेड थ्री, ठीक है। अब बताओ ऑर्डर जेड टू का कितना था? टू, राइट। जेड थ्री का ऑर्डर कितना था? थ्री। जी का ऑर्डर कितना है? जी मतलब जेड टू क्रॉस जेड थ्री, इसका ऑर्डर कितना है? सिक्स। तो ये एक रिजल्ट है कि ऑर्डर जो होता है प्रोडक्ट ऑफ सब ग्रुप का, ऑर्डर ऑफ जी, सच दैट हम एक रिजल्ट लिखते हैं कि सपोज जी जो होता है ना, अगर जेड वन क्रॉस जेड टू क्रॉस जेड थ्री अप टू सो ऑन जेड एन के इक्वल है, तो ऑर्डर ऑफ जी जो होता है वो होता है ऑर्डर ऑफ जेड वन क्रॉस ऑर्डर ऑफ जेड टू अप टू सो ऑन, मल्टीप्लाई कर दो। तो ऑर्डर ऑफ जी क्या होगा? बिना देखे भी आप बिना बनाए भी बता सकते हो, अगर इसका टू है इसका थ्री है तो ऑर्डर ऑफ जी कितना होगा? सिक्स होगा। सो अगर आपके पास एमसीक्यू आ जाए, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ जेड फाइव क्रॉस जेड फिफ्टी, इसका ऑर्डर क्या होगा? तो जेड फाइव का ऑर्डर क्या है? फाइव। इसका क्या है? फिफ्टी, ठीक है। तो इसका ऑर्डर क्या होगा? टू फिफ्टी, ठीक है। तो ये एक बहुत छोटी सी चीज थी, इसके आगे इसके ऊपर ऐसे एग्जाम्पल आते हैं इसके एलिमेंट्स के ऑर्डर के ऊपर, वो भी हम डिस्कस करेंगे आगे, ठीक है। फिलहाल अभी ये है कि ऐसे ये एग्जाम्पल है इसका एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट का, और कैसे इसका ऑर्डर निकलता है, ठीक है, ग्रुप का एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट का, ओके। अब आता है इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट का एग्जाम्पल, यू एट। यू एट क्या होगा? ग्रुप ऑफ यूनिट्स, ठीक है। क्या होता है यू एट? वन थ्री फाइव सेवन। ऑपरेशन क्या होता है? मल्टीप्लीकेशन मॉड्यूलो एट, ये एक ग्रुप होता है यू एट, है ना। एवरी एक रिजल्ट है ना, एवरी ग्रुप ऑफ ऑर्डर फोर इज अबिलियन। तो इसके जितने भी सब ग्रुप्स होंगे वो क्या होंगे? नॉर्मल होंगे। अब हमें क्या देखना है? इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट। एग्जाम्पल कैसे देखेंगे? देखो इसके दो सब ग्रुप्स बनाते हैं, यहाँ पे जी है यू एट, एक एच लेते हैं, एच क्या ले लेते हैं? थ्री, एक थ्री से सब ग्रुप जनरेट करा देते हैं, थ्री से जनरेट कराओ, एक क्या आएगा? थ्री ही आएगा, थ्री मॉड एट इज थ्री, है ना। एक थ्री मल्टीप्लाई थ्री, थ्री मल्टीप्लाई थ्री को थ्री से ऑपरेट कराएंगे, क्या मिलेगा? वन मिलेगा, राइट। कैसे ऑपरेट कराते हैं? थ्री थ्री जा नाइन, नाइन को आप एट से डिवाइड करोगे, रिमाइंडर क्या मिलेगा? वन मिलेगा। तो क्या मिल गया? वन, ठीक है। फिर उसके बाद थ्री मल्टीप्लाई थ्री मल्टीप्लाई थ्री, क्या मिलेगा? ट्वेंटी सेवन मॉड एट, तो फिर से थ्री मिल जाएगा। रिपीट होना शुरू हो जाएंगे तो यहीं रुक जाएंगे। ये मिल गया हमें क्या? सब ग्रुप मिल गया एक, ठीक है, जनरेटेड बाय थ्री। एक और सब ग्रुप बनाते हैं जनरेटेड बाय फाइव, फाइव से जनरेट करा दो सब ग्रुप को, सिमिलरली क्या मिलेगा? एक तो फाइव मिलेगा, फाइव फाइव जा ट्वेंटी फाइव, एट से ऑपरेट कराओ, क्या मिल जाएगा? वन। ऐसे उसके बाद क्या होगा? रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अब देखो कि एच के क्या जी के इक्वल आ रहा है? एच के, ठीक है। पहले थ्री होगा फाइव से, थ्री को फाइव से ऑपरेट कराओ, क्या मिलेगा आपको? थ्री फाइव आर फिफ्टीन, ठीक है। फिफ्टीन को एट से डिवाइड करोगे, क्या मिलेगा? रिमाइंडर इज सेवन, राइट। तो ये आ गया सेवन। थ्री वन से थ्री, फाइव वन से फाइव, वन वन से वन, ये तो किसी के किसके इक्वल आ गया? जी के इक्वल ही आ गया, है ना। सो जी इज आइसोमॉर्फिक टू एच के, एंड क्या है आपका कि ये जी एच के इसके, इसका मतलब जी क्या हुआ? एच के का इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट हुआ, राइट।
जी हमेशा किसके इक्वल होगा, एच के अगर ऐसे आ रहा है तो जी क्या है, इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट है एच के का। एच और के में कुछ भी कॉमन नहीं है एक्सेप्ट आइडेंटिटी, राइट। सो ये हुआ आपका, यहाँ पे आपको साइक्लिक ग्रुप और अबेलियन ग्रुप के रिजल्ट बहुत अच्छे से करने हैं, जो आपको मिल जाएंगे। मैंने साइक्लिक ग्रुप और अबेलियन ग्रुप के ऊपर बहुत सारी वीडियोस बना रखी हैं, वो रिजल्ट्स यहाँ पे आपके बहुत काम आएंगे। तो साइक्लिक ग्रुप, अबेलियन ग्रुप्स, नॉर्मल सब ग्रुप्स के रिजल्ट जरूर देखना, क्योंकि यहाँ पे वो लिंक होते हैं सारे, ठीक है। सो ये हुए इसके एग्जाम्पल्स, ठीक है। अब मैं कुछ दोनों के रिजल्ट्स नोट करती हूँ जो इम्पोर्टेंट हैं, उसके बाद हम आगे प्रोसीड करेंगे। सो अब ये कुछ रिजल्ट्स हैं जिनके ऊपर एमसीक्यू आपके पास आ सकता है, कि क्या है G1, G2, G3, GN अगर फाइनाइट हैं सारे ग्रुप्स, कितने भी ग्रुप्स हों, फाइनाइट ग्रुप्स हों, सबका ऑर्डर हमें पता हो, तो उनके डायरेक्ट प्रोडक्ट का ऑर्डर भी हम निकाल सकते हैं। कैसे, इन सबके ऑर्डर को मल्टीप्लाई करके, जैसे कि अभी हमने एक एग्जाम्पल में देखा भी था, राइट। अगर किसी भी एक ग्रुप का ऑर्डर क्या है, इनफाइनाइट है, ठीक है, तो उस केस में ऑर्डर ऑफ ग्रुप क्या होगा, इनफाइनाइट होगा। एंड प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए कि इनमें ऐसा एक एग्जाम्पल देखे जिसमें से ग्रुप का ऑर्डर, एक ग्रुप का ऑर्डर क्या हो, इनफाइनाइट हो, ठीक है। इसके बाद अगर क्या है, हमें इनफाइनाइट ग्रुप्स का प्रोडक्ट निकालना है, तो जो उसका ऑर्डर होगा प्रोडक्ट ऑफ ग्रुप्स का, वो भी क्या होगा, इनफाइनाइट होगा, ठीक है। और G1 क्रॉस G2 आइसोमॉर्फिक होता है G2 क्रॉस G1 के, ठीक है। ऐसे ही H क्रॉस K आइसोमॉर्फिक होता है K क्रॉस H के। कोई ग्रुप है अगर वो साइक्लिक है तो अबेलियन होगा, अबेलियन होगा तो उसके सारे सब ग्रुप क्या होंगे, नॉर्मल होंगे, ठीक है। और ऑर्डर तो आपको पता ही है, ऑर्डर ऑफ G किसके इक्वल होता है, ऑर्डर ऑफ H के, क्योंकि इधर G किसके आता है, G इज आइसोमॉर्फिक टू H के, ठीक है। सो आई होप आपको क्लियर हुई है आज की वीडियो। यहाँ पे हमने इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट, एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट का क्या देखा, डिफरेंस विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। इसके बाद जो एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट है, इसके जो एलिमेंट्स होते हैं उनका ऑर्डर क्या होता है, ठीक है, और क्या क्या ऑर्डर पॉसिबल हो सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट ट्रिक्स जो क्वेश्चन आ चुके हैं इसके ऊपर से, वो भी डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो इसी को कॉन्टिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए। बाय बाय।